इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आकांक्षा सिंह, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने कैसे, कहां से उनको इस तरह का प्रेरणा मिला कि उन्होंने इस परीक्षा में इतना अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया। पूरा इंटरव्यू सुनने से पहले जानिए कौन है नीट की सेकंड टॉपर आकांक्षा। उम्र कम है लेकिन कारनामा इतना बड़ा है कि आज नीट परीक्षा की सेकंड टॉपर आकांक्षा की चर्चा समुद्र पार तक है। इसके पीछे एक पिता राजेंद्र राव का संघर्ष है। कुशीनगर के अभी नायकपुर के रहने वाली आकांक्षा की जिंदगी के कई हिस्से और भी हैं, जैसे उनके माँ का संघर्ष। आकांक्षा की तैयारी में कोई कमी ना रह जाए इसलिए पिता ने नौकरी से वीआरएस ले लिया। पिता कुशीनगर से दिल्ली शिफ्ट हो गए। आकांक्षा जब 9वीं और 10वीं की पढ़ाई कुशीनगर से कर रही थी तब वो कुशीनगर से करीब 70 किलोमीटर कोचिंग के लिए बस से जाती थी। उन्हीं 70 किलोमीटर के प्रतिदिन के संघर्ष से आकांक्षा ने 720 अंक तक की दूरी तय कर ली। इनकी माँ शिक्षिका है। अब आकांक्षा का सपना है एम्स से पढ़ाई कर डॉक्टर बनना। आकांक्षा की एक बात को हर माँ बाप को सुनना चाहिए, किसी परीक्षा की जीत में माँ बाप के साथ अच्छे दोस्तों का होना भी जरूरी है। बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, इसके तो बहुत गर्व की बात है। खैर, शुरू से इनका डेडिकेशन बहुत अच्छा था और जिस फील्ड में जाना चाहती थी हम लोगों ने सपोर्ट किया अपने तरफ से जो भी कर सकते थे, और आज जो परिणाम है वो आप सबके सामने है। मतलब इसको तो हम बयान नहीं कर सकते कि मतलब कितनी बड़ी खुशी उसने हमें दी है। मतलब बहुत ही बहुत खुश है। हम लोग तो कल से ही मतलब जश्न ही चल रहा है, मतलब पूरा बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आप संवाददाता नागेंद्र मणि त्रिपाठी और नीट की परीक्षा की सेकंड टॉपर आकांक्षा का पूरा इंटरव्यू सुनिए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आकांक्षा सिंह, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने कैसे, उनकी कहां से उनको इस तरह का प्रेरणा मिला कि उन्होंने इस परीक्षा में इतना अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकांक्षा सिंह है और नीट यूजी 2020 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 2 आई है और मेरे नीट में 720 में से 720 स्कोर है और अभी सब बहुत खुश हैं, पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। तो मतलब और अभी मतलब एम्स दिल्ली से मुझे आगे MBBS करना है तो होपफुली वो सपना पूरा हो रहा है मेरा, तो मुझे बहुत खुशी है। आपकी फैमिली में कौन कौन है और आपको फैमिली से किस तरह का सपोर्ट मिलता रहा? मतलब मेरे फैमिली में मेरा एक भाई है मतलब वो क्लास 4th में है अभी, और बाकी मेरे फादर हैं राजेंद्र कुमार राव, वो रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं और उन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ली थी मेरे लिए 11th-12th में। वो मेरे साथ रुके हैं हॉस्टल में 11th-12th में, मैं दिल्ली में थी तो वही मेरे साथ 2 साल कंटिन्यूसली रहे हैं। और मम्मा जो है वो टीचर हैं और उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे, क्योंकि क्लास 9th-10th में जो मेरा घर था मतलब वो होम टाउन कुशीनगर है और कोचिंग करने मैं गोरखपुर जाती थी तो बाय बस मैं ट्रैवल करती थी अराउंड 70 किलोमीटर्स। तो मम्मा ही मुझे बस स्टैंड पर ड्रॉप करती थी और लेने भी वही आती थी, रात में 9-10 बज जाते थे तब। और बाकी मोरल सपोर्ट तो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रहा है, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं। कहीं ना कहीं आपके आगे जो आपने लक्ष्य तय किया है उसमें आगे आपने क्या सोचा है, क्या बनना चाहती हैं आप आगे चल के? अभी तो मतलब मैं एम्स दिल्ली से MBBS करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं आगे न्यूरोसर्जन बनना चाहती हूँ और न्यूरोलॉजी के फील्ड में रिसर्च करना चाहती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके और मैं ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब नीट एज अ एग्ज़ाम, मतलब अब जो है क्योंकि एम्स जिपमा सब कुछ मर्ज कर दिया है और अब सिर्फ नीट हो रहा है तो वो काफ़ी NCERT सेंट्रिक वो रख रहे हैं चीज़ों को, तो आप NCERT पर थोरोली प्रिपेयर करिए। बाकी आप अपनी ड्रीम्स और अपनी एस्पिरेशंस को हमेशा हाई रखिए, बस छोटा सा मतलब छोटा टारगेट मत सेट कीजिए कि मतलब बस क्वालिफाई कर लेना है या ऐसे, हमेशा अपने टारगेट को बड़ा रखिए क्योंकि जितना बड़ा टारगेट होता है एनर्जी उस चीज़ को अचीव करने की उतनी आती है अंदर से। तो हमेशा अपने सपनों को बड़ा रखिए और दूसरा हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कीजिए क्योंकि हार्डवर्क ओनली की टू सक्सेस, देर इज नो शॉर्टकट। तो स्ट्रेटेजाइज कीजिए चीज़ों को और फिर उस पर हार्डवर्क इंप्लीमेंट कीजिए तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। गरीब परिवार के जो बच्चे जिनके घर की माली हालत जो है वो ठीक नहीं होती है
उनके बारे में अगर उन्हीं नीट के जैसे किसी परीक्षा की तैयारी करें तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि नीट का जो पेपर है अभी जब से मतलब NTA ने कंडक्ट करना शुरू किया है उन्होंने काफ़ी NCERT सेंट्रिक कर दिया है, तो NCERT जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाती है और NCERT की लाइन बाय लाइन अगर आप मतलब गरीब परिवार से भी हैं और आप कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप NCERT को थोरोली पढ़ते हैं क्योंकि वो काफ़ी सस्ती बुक है और वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, आप जिस स्कूल में वहाँ पर भी वही लगती होगी, CBSE के बोर्ड में भी वही बुक लगती है, तो उस बुक को अगर आप थोरोली पढ़ते हैं, हर एक लाइन को बार बार पढ़ते हैं, उसकी इन बिटवीन द लाइन्स का मतलब समझने की कोशिश करते हैं, तो आप बिना कोई कोचिंग के भी डेफिनेटली ईजिली कर सकते हैं क्योंकि कोचिंग क्या करता है कि गाइडेंस प्रोवाइड कर देता है, स्ट्रैटेजाइज कर देता है चीज़ों को, तो आप अगर खुद से वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं तो आप डेफिनेटली बिना उसके भी बिना उसके सपोर्ट के भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना होगा, सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट, अदरवाइज आप डेफिनेटली कर सकते हैं। नीट की परीक्षा में दूसरा स्थान लाने के बाद आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूफोरिक सा मोमेंट है, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 720 आएगी, 700 प्लस एक्सपेक्ट किया था बट 720 इज समथिंग ग्रेट, तो सब लोग बहुत खुश हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जी। अच्छा एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आकांक्षा जी आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, आज आपके तमाम सारे दोस्त भी आपको बधाई दे रहे होंगे, और दोस्तों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं दोस्तों के लिए कहना चाहूँगी कि मेरे सारे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है, 11th 12th में मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ही अच्छा था, उनके साथ मैं डिस्कशंस करती थी, मतलब कितनी बार पढ़ने का मन नहीं करता था तो उनके साथ ही जाकर के पूरे टॉपिक्स डिस्कस करती थी, क्वेश्चंस उनके साथ डिस्कस करती थी, तो आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं, तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है और उनके बिना तो ये बिल्कुल नहीं हो पाता, तो आई वुड लाइक टू थैंक देम ऑल। घर पे आपकी माताजी जो है वो गृहिणी हैं और साथ ही साथ वो शिक्षिका भी हैं, स्कूल भी जाती होंगी, घर में बहुत ज़्यादा समय वो आपको आपके पीछे भी नहीं दे पाती होंगी, इन कठिन क्षणों में भी आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, कैसे कितने कितने घंटे आप जो है पढ़ाई करती थी और कैसे इसको मैनेज करती थी? मतलब मम्मा तो टीचर हैं, वो मतलब शुरू से ही जब से मैंने उनको देखा है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो उनसे ही ये डेडिकेशन और विल पावर मेरे अंदर आया है कि किसी चीज़ को थान लो तो वो करना है, वो मदर से ही सीखा है, मतलब वो थान लेती हैं उनको करना है, उनको सुबह उठना है 4 बजे तो उठ ही जाती हैं, तो ये चीज़ उनके अंदर से ही सीखी है मैंने, उनसे हमेशा ये चीज़ सीखती हूँ कि एक बार थान लिया किसी चीज़ को करना है तो वो करना है, और बाकी मेरी बात है तो मैं ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी में डिवोट करती थी, और जब लॉकडाउन में घर आ गए थे तो जब नहीं चल रही थी क्लासेस तब फिर मैं 15 hours 14 hours के आसपास पढ़ती थी। जो अभिभावक का आज भी बच्चियों को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहते हैं कि लड़की है लड़के से कम है और जो है लड़की लड़के का मुकाबला नहीं कर सकती, ऐसे अभिभावकों के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब मेरे साथ तो पर्सनली मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कोई भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, बल्कि वो तो मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं, और मतलब किसी पेरेंट का ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि आजकल तो लड़कियां हर फील्ड में मतलब लड़कों को टक्कर दे रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं, और दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अगर आप अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो बहुत अच्छा करेंगी, हर फील्ड में अच्छा कर रही हैं, तो आपको छोटा उन्हें नहीं आंकना चाहिए और उनको सपोर्ट अपना अपनी तरफ से पूरा देना चाहिए, आप सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा करेंगी। भविष्य की आपकी जो योजनाएं हैं उसमें अपने ज़िले के लिए कुछ अलग से करने के बारे में क्या सोच रही हैं आप? अभी मतलब जिसमें आपको बताया कि मैं न्यूरोसर्जन बनना चाहती हूँ और रिसर्च करना चाहती हूँ और वापस से फिर आकर के अपने गांव को मतलब गांव में सर्व करना चाहती हूँ लोगों के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर भी आकर के मतलब यहाँ के लोगों के लिए भी सर्व करूँ, यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ करूँ आगे। बहुत ही अच्छी सोच लगी आकांक्षा की, और जाहिर सी बात है कि इतना अच्छा प्रदर्शन जो इन्होंने नीट में किया है वो पूरे देश के लिए और ख़ासकर पूर्वांचल वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, और इसी के साथ जो है बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी आपको। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नागेंद्र मणि त्रिपाठी, ग्लोबल भारत, कुशीनगर।